आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 3 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, कंसीडर ऑफ टू सेट, अपने के पास एक सेट ये रहा और अपने के पास दे रखा है एम बिलोंग्स टू रियल नंबर बोथ ऑफ द रूट्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है ना वो अपने के पास दे रखा है रियल दे रखा है, एक सेट ये है, बी अपने का सेट अच्छे से दे ही रखा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अपने के पास इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपने के पास सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने के पास क्या कर रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एम प्लस वन और इनटू अपने के बराबर एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स एम प्लस फोर के बराबर इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने के पास दो रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। कितने, सॉरी दो रूट्स नहीं, रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के बराबर। चलिए सॉल्व कीजिए, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी यानी एम प्लस वन इन पूरे का होल स्क्वायर, एक्चुअल में माइनस भी होगा लेकिन माइनस का होल स्क्वायर अपने के पास लिखेगा तो कोई मतलब ही नहीं, वो प्लस हो जाएगा। माइनस टाइम्स फोर, ए की जगह अपने पास वन हो जाएगा, सी की जगह अपने पास एम प्लस फोर के बराबर, ठीक है। ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास एम स्क्वायर प्लस टाइम्स वन प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे टू एम के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे फोर एम के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ गया सोलह के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये हो जाएंगे। देख लो माइनस टाइम्स अपने पास सोलह इक्वल टू जीरो के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करो इसी तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स फोर एम, यहाँ से आ गया अपने पास एम स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास बताओ तो यह आ गया माइनस टाइम्स टू एम और यह आ गया माइनस टाइम्स पंद्रह, लेस देन इक्वल टू अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएंगे जीरो के बराबर। ये दे रखा है रूट्स आर रियल, तो यह आ गया माइनस टाइम्स चार में से दो जाएगा दो। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो तो ये किसका आ जाएंगे एम माइनस टाइम्स थ्री के बराबर और यह आ गया अपने पास एम माइनस फाइव के बराबर, यह आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमें अपने पास चाहिए निगेटिव, ये निगेटिव चाहिए तो इसको अपने पास क्या कर लो पॉजिटिव कर लो, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास वेबी कारोमीटर, हर एक मर्ज का एक ही इलाज वेबी कारोमीटर। यहाँ से अपने पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए, कौन कौन से, तो एक तो अपने पास माइनस थ्री आ गए, एक अपने पास किस पर आ जाएंगे प्लस फाइव के बराबर। पांच से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, हमें चाहिए क्या पॉजिटिव। और वहाँ पे पांच पे अपने पास क्या जाएंगे क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि अपने पास इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, यानी ये अपने पास हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास एम बिलोंग्स टू किस पर आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस थ्री, थ्री पे क्लोज यूनियन फाइव से लेकर के अपने पास कहाँ तक इन्फिनिटी तक, हाँ या ना, फाइव पे क्लोज। यहाँ से अपने पास ये एम आ गया, एम अपने पास एम ही तो अपने पास सेट ए है, यहाँ से अपने पास अब काम खत्म हो गया क्वाड्रेटिक का। तो अपने पास सेट ए अपने पास किस बराबर दे रखा है, सेट ए दे रखा है अपने पास सेट ए बिलोंग्स टू बताओ, यानी तो ए इक्वल टू अपने पास कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस थ्री, यहाँ पे क्लोज यूनियन फाइव से लेकर अपने पास कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, हाँ या ना। ये अपने पास क्या है सेट ए है, सेट ए के बाद अपने पास सेट बी बताओ, सेट बी अपने पास किस बराबर है, तो सेट बी अपने पास दे रखा है माइनस थ्री से लेकर के फाइव तक, फाइव पे अपने पास ओपन है, माइनस थ्री से लेकर के कहाँ तक फाइव तक, ये अपने पास सेट बी है। सेट ए और सेट बी को अपने पास क्या करो नंबर लाइन पे अपने पास पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है, इससे अपने पास थोड़े बहुत आसानी हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास सेट ए और सेट बी, अबे तुम के दबा गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास सेट ए और सेट बी को क्या करो नंबर लाइन पे अपने के पास ये करो, तो यहाँ से अपने पास क्या करो सबसे छोटा माइनस थ्री, इसके बाद अपने के पास फाइव के बराबर, हाँ है ना, ठीक है। यहाँ से अपने के पास सेट ए क्या कह रहा है, सेट ए अपने पास कह रहा है कि हम फाइव से लेकर के कहाँ तक, फाइव से लेकर के इन्फिनिटी तक, और सेट बी अपने पास क्या कह रहा है, तो सॉरी सेट ए ही के बारे में अभी कमेंट करो, ये अपने पास सेट ये इससे लेकर के अपने पास कहाँ तक इन्फिनिटी तक, हाँ है ना। और सेट बी अपने के पास ब्लैक कलर से हम कलर कर देते, तो यहाँ से अपने पास यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे अपने के पास क्या आ जाएंगे ओपन आ जाएंगे बराबर, ठीक है। ये आ गया, इसको अपने पास चार भाग में डिवाइड कर लो, क्यों, क्योंकि हमें चार पार्ट बताने हैं। यहाँ से अपने के पास ये आ गया, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, आप अपना देख लीजिए सर, हम अपना कैसे देखें, यहाँ पे देखो ए ऑप्शन चेक कर लेते, ए इंटरसेक्शन बी, अपने पास क्या कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ए ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, किस ऑप्शन के लिए, ए ऑप्शन के लिए बताओ, तो ए ऑप्शन के लिए अगर चेक करेंगे तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लो, ये सेट ए है और सेट बी ब्लैक वाला है, जैसे इंटरसेक्शन लेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आएंगे, क्या आएंगे अपने पास एक ही पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या, अपने पास बी माइनस ए, बी अपने पास सेट बी कौन सा है, सेट बी ये है और सेट ए ये है, तो बी में से अपने पास ए घटा दो, बी में से जैसे ए घटाओगे तो अपने पास माइनस थ्री में से थ्री चला जाएगा और यहाँ पे अपने पास फाइव तो ऐसे भी नहीं है, तो यहाँ से सेट बी ऑप्शन नंबर बी भी अपने पास ट्रू है, ए यूनियन बी, ए और यूनियन, यहाँ से अपने पास बी, तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर लिए। ऑप्शन नंबर सी बताओ, ये अपने पास सी के लिए हम चेक कर रहे हैं, सी में अपने पास क्या है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इस दोनों का यूनियन, जैसे यूनियन लोगे तो ए यूनियन बी अपने पास क्या आ जाएंगे रियल नंबर, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या कर रहा है अपने पास, ए में से बी को घटाओ,
ए में से अपने के पास क्या कर रहा हूँ, बी में घटाओ, ए ये रहा और बी ये रहा। जैसे ए में से बी को घटाओगे तो अपने के पास किस पर आ जाएंगे, तो घटाओगे तो ये अपने के पास माइनस, ये भी चला जाएगा और यहाँ से अपने के पास ये, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो अपने यही तो पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ए माइनस बी अपने क्या आ जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपने का सेट का काम है और किसी का काम नहीं है। तो ये थे अपने का जेई मेंस के 3 सितंबर 2020 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। इसमें अपने का सीधा सी बात है कि सेट को सॉल्व करवाना है और किसी को तो सॉल्व करवाना नहीं है, ठीक है। तो ये थे अपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था क्वांटिटी क्वेश्चन भी। सेट का अपने के पास थोड़े बहुत आपको आइडिया होनी चाहिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।